बढ़ते हैं आगे, जहां रायपुर में कई राजधानी में छाया घना कोहरा। सुबह से ही ये कोहरा छाया हुआ है, कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। हेडलाइट जलाकर चल रहे वाहन चालक, इस सबकी अहम जानकारी बता रहे हैं आपको रायपुर से, जहां राजधानी में एक तरह से कोहरा छाया हुआ है, हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं वाहन चालक। ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे मेरे साथ लगातार जुड़े हुई हैं। सुप्रिया, घना कोहरा छाया हुआ है पूरी राजधानी में, तो लोगों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? जी देखिए, ये राजधानी रायपुर का नज़ारा है, जहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से कोहरा छाया हुआ है। लोगों को अभी भी गाड़ी की लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है, विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं, तो वही कोहरा जो है वो छटने का नाम नहीं ले रहा है। कल जिस तरीके से बारिश हुई थी, बारिश के बाद ये कोहरा छाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आ रही है। अगर हम राजधानी के विभिन्न इलाकों की बात करें तो यही स्थितियाँ अभी बनी हुई है, और किस तरीके से कोहरा छाया हुआ है आप खुद भी देख सकते हैं। विजिबिलिटी काफी कम है, तो लोगों को आने जाने में भी दिक्कतें हो रही है। तो वाहन चालकों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि अगर हम आपके पीछे देखें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। अगर दूर का नजारा देखा जाए तो काफी मशक्कत करनी पड़ी है देखने के लिए। जी बिल्कुल, दूर का नज़ारा यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है, आपको नज़ारा भी दिखाना चाहूँगी मैं, यहाँ का भी नज़ारा दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नज़ारा है वहाँ पर जो है विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। लोग अभी से जो अपनी गाड़ियों की लाइट है वो जलाकर चलते हुए नज़र आ रहे हैं, और गाड़ी जो है वो धीमी कर दी है लोगों ने, क्योंकि अगर तेज़ी से चलाएंगे और कोहरे की वजह से अगर कुछ नज़र नहीं आ रहा तो दुर्घटना भी हो सकती है। तो किस तरीके से यहाँ पर रायपुर में सुबह से ही काफ़ी काले घने कोहरे छाए हुए हैं, जिस वजह से विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती हुई नज़र आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए।